स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रत्यय करेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़े थे। प्रत्यय उपसर्ग से एकदम विपरीत है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं। भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जैसे पढ़ने वाला। अब पढ़ने वाला में देखिए स्टूडेंट्स, वाला पढ़ने शब्द है और हमने इसमें प्रत्यय क्या ऐड कर दिया है, वाला। तो ये वाला यहां पर प्रत्यय है। इसी तरह है झगड़ालू। झगड़ालू में झगड़ा मूल शब्द है प्लस आलू प्रत्यय। आशा करती हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रत्यय। अब प्रत्यय के भेद। मूलतः प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृत प्रत्यय। दूसरा है हमारा तथित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम इसके उदाहरण लेंगे। जैसे हारा। हारा हमारा प्रत्यय शब्द है। इसे हम शब्द बनाएंगे लक्कड़हारा, राखनहारा, सोवनहारा आदि। इसी तरह
अन्य प्रत्यय है हमारा आड़ी, आड़ी से स्टूडेंट्स हम वर्ड बनाएंगे अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा ईया, ईया से हम शब्द बनाएंगे बढ़िया, घटिया, बुढ़िया। स्टूडेंट्स कृत प्रत्यय के अब हमारे पांच उपभेद भी हैं, वो पांच उपभेद हम करेंगे अभी। कृत प्रत्यय के पांच उपभेद हैं, पहला है हमारा कृत वाचक, कृतवाचक प्रत्यय वो होते हैं जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता का बोध हो, अर्थात कार्य करने वाले का बोध हो। एग्जाम्पल जैसे वाला, वाला देखिए पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला, ये सभी क्या है, कर्ता है, तो इन शब्दों में कौन सा है कृतवाचक। मीन्स पढ़ने, धावक अर्थात दौड़ने वाला, तो ये सभी किसका बोध करा रहे हमें, कर्ता का। तो इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय हो गया हमारा कृतवाचक प्रत्यय। अब दूसरा है हमारा कर्मवाचक, जिन प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध हो, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है हमारा, जिन से हमें कर्म का बोध हो, जैसे ना, गाना, गाना क्या है हमारा कर्म है, खाना, पालना। अन्य उदाहरण देख लें इसका, नी, नी, ओढ़नी, कहानी, लेखनी, तीसरा है हमारा करणवाचक, कर्णवाचक जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो। देखो स्टूडेंट, क्रिया का नहीं बल्कि क्रिया के साधन का बोध हो, वहां कर्णवाचक प्रत्यय होता है। जैसे बढ़ाओ, झाड़ू, आड़ू, ने, बेलन, ये सभी क्रिया के क्या है साधन। झाड़न, अब हमारा नेक्स्ट है भाववाचक,
भाववाचक प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव भाव का बोध हो, नाम से स्पष्ट है वहां भाववाचक होता है। जैसे आओ, आओ प्रत्यय से शब्द बनाएंगे हम, बहाओ, चढ़ाओ, बचाओ, आहट, आहट से शब्द बनाएंगे हम घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट, और इसका अंतिम और पांचवा उपभेद है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। देखिए, जिन प्रत्ययों के मेल से या योग से क्रिया विशेषण संज्ञाएं अव्यय आदि विशेष क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। देखिए मैं पुनः दोहरा रही हूं, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण संज्ञाएं अव्यय अथवा क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे हम इसका, क्रियार्थक कृत प्रत्यय के उदाहरण लेंगे हम, ता, ता प्रत्यय से शब्द बनाएंगे हम चलता, बहता, चढ़ता इत्यादि। कर, कर से लिख कर, पढ़कर, खाकर इत्यादि। आशा करती हूँ आपको प्रत्यय के सभी उपभेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा दूसरा प्रत्यय था तद्धित, प्रत्यय जो प्रत्यय संख्या सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम परिभाषा लिखेंगे इसकी। जो प्रत्यय संख्या सर्वनाम विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण है इसका, घर, घर प्रत्यय से शब्द बनाएंगे हम कारीगर, बाजीगर, तदित प्रत्यय के उपभेद हैं अब हमारे पहला है हमारा कृतवाचक,
स्थगित प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा देखेंगे हम। जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध हो, जिनसे किसी के कार्य के करने वाले का बोध हो, जैसे उदाहरण देंगे ची, ची हमारा प्रत्यय है, इसे हम शब्द बनाएंगे अभी, मशाल ची। देखो मशाल ची नाम से पता चल रहा है ना, कार्य करने वाला है, खजांची। आगे इसका अब दूसरा उपभेद है हमारा भाववाचक। जिनसे भाव व्यक्त हो, नाम से स्पष्ट हो जाता है हमारा, जिनसे भाव व्यक्त हो, जैसे उदाहरण है हमारा ईमा। ईमा प्रत्यय है, ईमा से हम शब्द बनाएंगे कालीमा। लालीमा समझ में आ गया है। तीसरा आता है हमारा संबंधवाचक। जिनसे संबंध का बोध हो, जिनसे संबंध का बोध हो, जैसे आल। आल शब्द है हमारा, ससुराल। ससुराल हमारा संबंध में आता है। ननिहाल, ननिहाल भी संबंध में आता है। आदि। नेक्स्ट आता है हमारा लघुतावाचक, जिसको हम उन्तावाचक भी बोलते हैं, उन्ता या फिर लघुता। उनका वाचक तदित प्रत्यय। जिनसे लघुता का बोध हो, देखो सब नाम के अनुसार ही इनकी परिभाषाएं हैं। जिनसे लघुता का बोध हो, जैसे इया प्रत्यय है हमारा, इसे हम शब्द बनाएंगे लुटिया। डिबिया आदि। इसके बाद हमारा पांचवा प्रत्यय है, नेक्स्ट है हमारा गणनावाचक। जिनसे गणना का बोध हो, वहां गणनावाचक होता है, जैसे हरा। हरा शब्द से अब शब्द बनाए, हरा प्रत्यय से अब शब्द बनाएंगे हम इकहरा। देखिए इकहरा, यहां पे हमें गणना अर्थात गिनती का पता चलता है। दुहरा इत्यादि। इससे नेक्स्ट है हमारा सादृश्यवाचक। जिनसे समता का बोध हो, जिनसे समता अर्थात समानता का बोध हो, जैसे सा शब्द है, सा प्रत्यय से शब्द बनेगा लालसा, पीला सा इत्यादि। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा गुणवाचक। जिनसे किसी गुण का बोध हो,
वहां गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होता है, जैसे आ प्रत्यय है हमारा, आ से हम बनाएंगे मैला, मैला गुण है, भूखा, प्यासा इत्यादि। अब गुणवाचक के बाद आता है हमारा स्थानवाचक। जिससे स्थान का बोध हो वहां स्थानवाचक तद्धित होता है, जैसे ई प्रत्यय से शब्द बनाएंगे हम पंजाबी। बंगाली, गुजराती इत्यादि। अब इसके बाद आता है हमारा स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। जिनसे स्त्रीलिंग का बोध हो वो शब्द स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है स्टूडेंट्स हमारा शी, शी प्रत्यय है, इसे हम बनाएंगे विदुषी, विदुषी शब्द स्त्रीलिंग है। महिषी, महिषी भी हमें स्त्रीलिंग का बोध कराता है। और अंत में हमारा आता है बहुवचन वाचक। बहुवचन वाचक जिनसे बहुवचन का बोध हो, जिनसे बहुवचन का बोध हो वो बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे या, कुर्सियां। देखिए यहां पे कुर्सियां बहुवचन का बोध करा रही है ना हमें। बेटियां, रानियां इत्यादि। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। Thanks.